हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस का, जो 2019 में एग्ज़ाम होने जा रहा है। क्या उसका सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, वो सारी चीज़ें। हाँ जी, जैसे कि आप लोग काफ़ी हद तक सुन रहे हो, अब तक आपने काफ़ी से सुन लिया है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस में अपडेशन ज़रूर है, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक सिलेबस आपका वही है जो पहले था। क्या क्या उसमें पॉइंट डिस्कस किए हैं सिलेबस में, यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सिलेबस आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो जो एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस 2019 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसकी प्रेपरेशन अगर आप सीरियस करना चाहते हो तो वो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और उसके ये 10 टॉपिक जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं इन सिलेबस। लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 10 टॉपिक नहीं है सिर्फ, इनमें काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो कंबाइन कर दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने आपके मेंशन किया हुआ है, अगर हम बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कंबाइन कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइजेशन उसके साथ कंबाइन कर दिया है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर, ठीक है। तो बेसिकली तो आपको पता है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो टॉपिक है हमारा, वो आपने अलग करना है, कंपाइलर का टॉपिक आपका अलग करना है, ठीक है ना, प्रेपरेशन आपने। तो मतलब टॉपिक हमारे जस्ट 10, उन्होंने 10 में डिवाइड कर दिया है सिलेबस, सो दैट आपको जो पहले कंफ्यूजन होती थी वो ना हो। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है। यहाँ पे यूनिट 1 में उन्होंने टॉपिक जो दिए हैं वो है आपको मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक है, फिर है सेट एंड रिलेशन, नेक्स्ट है ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा, फिर ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे आपने लेटेस्ट दिसंबर का एग्ज़ाम भी देखा है, उसमें भी काफ़ी सब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दी हुई है, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें सिर्फ लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की सिर्फ एक कमांड के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऐसे ही यूनिक्स का एक क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ग्राफिक के 5 क्वेश्चंस थे, एआई के 5 थे, ठीक है, टीओसी के 10 थे और नेटवर्किंग के भी 10 थे। ऐसे मतलब आपको ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट आपके ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं मार्क्स, ठीक है। तो देखते हैं जो हमारा दिसंबर 2018 का एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हुआ है ना, उस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस की वेटेज रही है, कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो नेचुरली आपको आइडिया हो जाता है कि कितने मार्क्स का पेपर किस सब्जेक्ट में से आया है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, यहाँ पे मैंने वो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं जिनकी हायर वेटेज थी, ठीक है। नेटवर्क में 10, आर्किटेक्चर 10, डिस्क्रीट मैथ 10, टीओसी 9, ऑपरेटिंग सिस्टम 8, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8, ठीक है, एल्गोरिदम 8, 7, डीवीएमएस 5, 5 कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड आर्किटेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है। मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया था कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेकर अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट 100% डन हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 100% डन हो गए, साथ में मैंने MCQs भी कवर कर लिए हैं, तो अगर आप इस अप्रोच से करते हो ना तो आपका नेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। और साथ में क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट रहती है, आपको एक स्ट्रेटजी प्लान बनाना होता है कि आपने कैसे कैसे प्रेपरेशन करनी है, कितना टाइम। जैसे कि अभी आपके पास 3 to 4 मंथ्स है प्रेपरेशन के लिए, तो आप एक मंथ में 3 या 4 सब्जेक्ट अपने स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको बताना चाहती हूँ जो TOC है उसका हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है, क्योंकि प्लस कोर्स के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि मैम हमें प्लस की एनरोलमेंट नहीं हो पाई और रजिस्ट्रेशन बंद होगी। तो रजिस्ट्रेशन का लिमिटेड सा टाइम है, लास्ट डेट 16 जन है और हमारा प्लस जो है वो TOC के बेसिक टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अन अकेडमी पे, साथ में मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम
जो कवर करेंगे टॉपिक, उसमें हम 5 सेशंस होंगे आपके 999 में, ठीक है, और 5 लाइव क्लासेस होंगी. और बेसिक जो है, जिन स्टूडेंट्स को बेसिक भी नहीं आता और टीओसी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जिनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और आप इजीली आंसर कर सकते हो उन क्वेश्चंस के, तो वो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो आप इनरोल कर सकते हैं और टीओसी की हमारी ऐसी क्लासेस होंगी वहाँ पे, ठीक है. साथ में एंड में आपका एक क्विज भी होगा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर का टॉपिक, जैसे सिलेबस में आपको पता है कि कंबाइंड मेंशन है, लेकिन आपने सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेके ही इन टॉपिक्स को कवर करना है. तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं. और साथ में लाइव डिस्कशन में आप मुझसे लाइव डिस्कशन में आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. वहाँ पे आपको कोई डाउट है जो टॉपिक एजुकेटर करवा रहा है अनअकैडमी पे, कोई डाउट है आप वो भी डाउट एजुकेटर से क्लियर कर सकते हैं. तो मेन सिलेबस पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो ये 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं.